Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. तू हमेशा हर काम उल्टा ही क्यों करता है फ्रेंड्स इस बात को कहने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एडियम है इंग्लिश में वाई डू यू ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द करंट अगेंस्ट द टाइड स्विम अगेंस्ट द करंट मतलब कुछ ऐसा करना जो बाकी दूसरों से उल्टा हो कुछ उल्टा करना कुछ अलग करना सो वाई डू यू ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द करंट और टाइड वो उल्टा चलने से कभी डरता नहीं है ही इज अफ्रेड टू स्विम अगेंस्ट द टाइड

सेटल योर ओल्ड स्कोर विथ किसी के साथ पुराना हिसाब किताब चुकता करना पुराना कुछ बदला लेना सौ बात की एक बात जब लंबी बात ना कह के आपको छोटी बात में क्लियर करना है जो आप कहना चाहते हैं तब आप ऐसे बोल सकते हैं टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट या फिर टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट और फिर बोल दो क्या बोलना है सौ बात की एक बात वो घर नहीं आएगा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ही वॉन्ट कम होम इसको इतना भी हम कह सकते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इतना बोल के फिर आप बता दो क्या बोलना है क्या आपकी खबर पक्की है इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इज योर न्यूज कन्फर्म्ड इज योर न्यूज कन्फर्म्ड हाँ तभी तो ये तेजी से फैल रही है ये वाई इट्सिंग रेपिडली स्प्रेडिंग रेपिडली स्प्रेड मतलब फैलना रेपिडली मतलब जल्दी जल्दी इसकी जगह पे आप क्विकली भी बोल सकते हैं स्प्रेडिंग क्विकली वो अकेला चार आदमियों पे भारी पड़ जाता है इसके लिए इंग्लिश में हम ओवर पावर का यूज कर सकते हैं ही अलोन ओवर पावर्स फॉर पीपल ओवर पावर्स फॉर पीपल यानी चार लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है वो शक्तिशाली हो जाता है ही अलोन फोर पीपल जैसे गुस्सा समझदारी पे भारी पड़ जाता है एंगर ओवर पावर्स विजडम जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसका दिमाग सही से काम नहीं करता एंगर ओवर पावर्स विजडम वो मेरे एक इशारे पे नौकरी छोड़ देगा एक बार मैंने इशारा किया और वो नौकरी छोड़ देगा ही विल लीव द जॉब एट वन सिग्नल ऑफ माइंड इस तरह आप कह सकते हैं या फिर एक और फ्रेज है इंग्लिश में एट माई बिहेस्ट ही विल लीव द जॉब एट माई बिहेस्ट यानी मेरे कहने से मेरे एक इशारे पे एट वन सिग्नल ऑफ माइंड उसके इशारे पे सब लोग सर झुकाते हैं एवरी वन बाउस एट हिज सिग्नल एट हिज बिहेस्ट या फिर एट हिज सिग्नल सब बाव करते हैं वो एक साल में रोडपति से करोड़पति बन गया फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं से करोड़पति इंग्लिश में कह सकते हैं रैक्स टू रिचे इन वन ईयर रोडपति से करोड़पति बनना आसान नहीं होता इट्स नॉट ईजी टू गो फ्रोम टू रिचे इट्स नॉट ईजी टू गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेज इसको एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है इट्स अ रैक्स टू रिचेज स्टोरी इट्स अ रैक्स टू रिचेज स्टोरी यानी ये तो रोडपति से करोड़पति बनने की एक कहानी है एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर इसका यूज हो रहा है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है इंग्लिश में कह सकते हैं इज इन दिस अब इट टू मच इज इन दिस अब इट टू मच इज इन दिस अब इट टू मच वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रहा है इज इन टी अब इट टू मच इनफ्यूरिएटेड इनफ्यूरिएटेड यानी गुस्से में enraged, angry, annoyed, irritated. किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं Isn't he a bit too much infuriated? मुझे पता है तुमने उसे घूस दी है यानी कि रिश्वत दी है इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई नो यू हैव ग्रीस्ड हिज पाम ग्रीस्ड हिज पाम ग्रीस समवंस पाम मतलब कि किसी को रिश्वत देना इसके लिए दूसरा ज्यादा कॉमन वर्ड है ब्राइब आई नो यू हैव ब्राइब हिम कि तुमने उसे ब्राइब किया है लेकिन ग्रीज हिज पाम ये दूसरा तरीका है ब्राइब को ही बोलने का इसका भी बहुत यूज किया जाता है ग्रीज समन्स पाम फॉर एग्जाम्पल वो नेताओं को घुस देकर पुलिस वाला बना है ही हैज बिकम अ पुलिस मैन बाय ग्रीजिंग द पाम ऑफ लीडर्स इस तरह से ग्रीज द पाम का आप यूज कर सकते हैं ये नौकरी छोटी तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा मैं तुम्हें रास्ते पे आने नहीं दूंगा बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम हर एक वर्ड को लिटरली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे बल्कि हमें समझना है कि उस सिचुएशन में हम कहना क्या चाह रहे हैं और इंग्लिश में कौन सा ऐसा वर्ड फ्रेज या एरियम है जो उस बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है जैसे यहाँ पर रास्ते पर आ जाना मतलब लिटरली रास्ते पर कोई खड़ा नहीं होता मतलब कि उसके पास कुछ बचेगा नहीं उसके पास पैसे नहीं बचेंगे वो गरीब हो जाएगा कंगाल हो जाएगा ये मीनिंग है तो हम कह सकते हैं If I lose this job I will be left with nothing. ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और अगर इसी को मैं बहुत कम पॉसिबिलिटी के साथ बोलता हूँ, अगर मुझे लगता है ये तो मेरा टोटली totally इमेजिनेशन है नौकरी अच्छी खासी चल रही है तब मैं कहता If I lost this job I would be left with nothing. मैं तुम्हें रास्ते पे आने नहीं दूंगा। I won't let you be left with nothing. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं I won't let you be down and out or I won't let you be stony broke. इनका भी मतलब है कोई बहुत गरीब हो गया उसके पास कुछ नहीं बचा बैंक करप्ट हो गया एकदम कुछ नहीं बचा उसके पास ब्रोक हो गया तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केयर एंड बाय